हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक हैक्स। लिपस्टिक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हमारा ऑल ओवर मेकअप हो ना हो, हम लोग लिपस्टिक जरूर अप्लाई करते हैं। अगर लिपस्टिक डार्क लिप शेड नहीं अप्लाई करते तो लिप बाम तो सारी लेडीज यूज करती हैं, जेंट्स भी यूज करते हैं। तो हमको आज मैं आपकी आपको इस वीडियो में यही क्लियर करने वाली हूँ लिपस्टिक लगाने का सही तरीका क्या है, लिप्स हैक बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी आप लोग के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरे चैनल पर डे बाई डे हेयर केयर, स्किन केयर, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज जाते रहती हैं। तो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा अभी तक। एंड सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड और वीडियो जाते रहती हैं, सिलाई की बारीकियाँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ, तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हमारी लिप्स अक्सर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा माउथ के अराउंड ब्लैकनेस आई रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लिपस्टिक को लिप्स को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है। और मॉइस्चराइजर के लिए आप लिप बाम यूज कर सकते हो, वैसलीन यूज कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप जो दूध पे मलाई जमती है उसको लगाओगे तो वो जल्दी आपके लिप्स को अच्छा कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपने लिप्स को स्क्रब करना चाहिए। ये स्क्रब है अरोमा का फ्रूट स्क्रब, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने लिया है। और आप अगर होममेड चाहते हो और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप चीनी और शहद मिक्स करके उससे अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो और टूथब्रश जो होता है जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं उससे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको 5 मिनट के लिए स्क्रब करना है। हमारे लिप्स के कॉर्नर में भी अक्सर ब्लैकनेस रहती है तो आपको अच्छे से स्क्रब करना है। टूथब्रश लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर लिया है, ओके। इसके बाद आपको लिपस्टिक अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड में आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। मॉइस्चराइजिंग के लिए आप लिप बाम यूज कर सकते हो कोई बढ़िया सा, या फिर आप वैसलीन यूज कर सकते हो, या फिर दूध की मलाई यूज कर सकते हो। तो दूध की मलाई परमानेंट तो आप नहीं यूज कर सकते, कहीं जाना वाना हो तो लिप बाम आप यूज कर सकते हो। लिप बाम के लिए आप वैसलीन ट्राई कीजिए, वैसलीन सबसे अच्छा है। अदरवाइज आप या तो वैसलीन अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई अच्छा सा लिप बाम यूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगी कि आप वैसलीन यूज कीजिएगा। सेकेंड स्टेप में आपको लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखने हैं जो कि वैसलीन से हो जाएगा। आजकल जो हम लोग लिपस्टिक यूज कर रहे हैं वो मैट होती हैं जो कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई और ब्लैक बना रही हैं। तो उसको यूज करने से पहले आपको इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगाना है लिप्स पे, और उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक यूज करोगे तो वो आपके लिप्स को हार्म नहीं पहुँचाएगी और रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो सेकेंड में हमने मॉइस्चराइज किया। थर्ड में आपको लिपस्टिक लगाते टाइम ध्यान देना है कि आपका लिपस्टिक जो है ज़्यादा ड्राई ना रहे, उसके लिए आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद ही लिपस्टिक को अप्लाई करना है। फोर्थ में मैं बताऊंगी, जैसे हम लोग लिपस्टिक यूज करते हैं तो हमारा लिप्स का शेड जैसा भी हो, जैसे कई लोगों का ब्लैक होता है या फिर कई लोगों का एक लिप्स या पिंक होगा या फिर ब्लैक होगा, तो ऐसे लिपस्टिक पे डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं अप्लाई करनी है। जैसे हम लोग अक्सर मॉडल्स एंड एक्टर्स के लिप्स देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आई रहती है एंड परफेक्ट लुक दिखता है, लेकिन हम लोग लगाते हैं तो हमारा अक्सर परफेक्ट नहीं आता है, फिनिशिंग नहीं आती है। तो हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हमको फर्स्ट तो कंसीलर लगाना है अपने लिपस्टिक पे, लिप्स पे, ये है विदाउट कुछ लगाए हमारा लिपस्टिक का लुक।
अब इसको प्रोफेशनल तरीके से यूज करेंगे। तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ के लिए इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे नीचे मॉइस्चराइजर लगाया था, तो इसको रिमूव करना देखिए कितना ईजी है। अगर यही आपने लिप मॉइस्चराइजर नहीं लगाया होता और डायरेक्ट अप्लाई कर लिए होते तो इतना ईजिली लिपस्टिक नहीं निकलता। तो जरूरी है कि कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करो उसके नीचे मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, और स्पेशली मेट लिपस्टिक के लिए। फोर्थ में मैं बताऊंगी आपको डायरेक्ट कभी भी अपने फेस लिपस्टिक पे लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई नहीं करना है। आजकल तो सभी का लिप्स ऐसा है कि बिल्कुल भी स्किन से मैच होता हुआ या फिर पिंक नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, पहले अपने लिप्स पे कंसीलर अप्लाई करना है, जिससे कि आपका जो लिपस्टिक का शेड है वो प्रॉपर आए। इससे क्या होगा कि जितना भी ब्लैकनेस होगा वो आपका हट जाएगा, और इसको अच्छे से सेट कर देना है कॉम्पैक्ट पाउडर से। सेट करना जरूरी है, बिना सेट किया लिपस्टिक अप्लाई मत कीजिएगा। इसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक लगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगा। तो ये तो हो गया हमारा छठा स्टेप। सातवें मैं बता रही हूँ, लिपस्टिक तो हम लोग लगाते हैं लेकिन लिप आउटलाइनर जो होता है उसको हमेशा स्किप कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी पार्ट है लिप आउटलाइनर अपने लिपस्टिक को प्रोफेशनल लुक दिखाने के लिए। तो लिपस्टिक अब बारी आती है कि आप उसको चूज कैसे करोगे। तो चूज करने के लिए आपको जो भी आपकी लिपस्टिक का शेड है उससे एक शेड डार्कर, बहुत ज़्यादा डार्कर नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, एक शेड डार्कर या फिर लिपस्टिक से मैच होता हुआ आउटलाइनर आप यूज करोगे। ओके, तो ये है मेरे पास आउटलाइनर और मैं लिपस्टिक भी अप्लाई करूंगी ये वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये थोड़ा सा डार्क है एंड ये लिपस्टिक है। तो इस तरीके से आप मैच करके अपने लिपस्टिक के अकॉर्डिंग लिप आउटलाइनर का चूज कर सकते हो। ओके, आजकल हम लोग बहुत लिपस्टिक तो सभी यूज करते हैं लेकिन आउटलाइनर को स्किप कर देते हैं। ऐसे आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पार्टी वेयर लुक चाहिए, वेडिंग पार्टी है, कुछ अच्छा सा ओकेशन है, तो आप ये यूज जरूर कीजिएगा लिप आउटलाइनर। और छठे में हम ये सातवां स्टेप हो गया हमारा। आठवें में हम लिपस्टिक अप्लाई करके दिखा रहे हैं, और लिपस्टिक का जो प्रोफेशनल लुक जो आता है डार्क टू लाइट शेड वाला, वो करके दिखाऊंगी कैसे करेंगे, तो आपका जो लिपस्टिक का लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आएगा आपके सामने। अब आपको एक लिपस्टिक का परफेक्ट शेड देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक परफेक्ट शेप मिल गया है, आपको पता है कि आपको इससे बाहर अपनी लिपस्टिक को नहीं लेके जाना है या फिर अंदर लेके नहीं आना है। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इंजेक्शन लगवा के लोग अपने होठों को बाहर निकलवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेकअप के को सही यूज करके अपने लिपस्टिक लिप्स को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है लिप्स की, इसके ऊपर से आउटलाइनर को अप्लाई करोगे तो आपका लिप्स जो है वो ऑटोमेटिकली फुला हुआ यानी कि थोड़ा सा बड़ा दिखने लग जाएगा। ऐसा अक्सर छोटे लिप्स वाली लड़कियां करती हैं या फिर एक्ट्रेस करती हैं अपने लिप्स को बड़ा और खूबसूरत दिखाने के लिए। अब इसके अंदर अंदर आपको लिपस्टिक भरना है।
लिपस्टिक लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नहीं तो आपकी जो शेप है वो परफेक्ट नहीं आएगी। ऐसा तब करना है जब आपका क्लाइंट है या फिर आप खुद से लगा रहे हो लेकिन आपके होंठ बहुत पतले हैं, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ दिखा सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर लाइन। ओके, तो इस तरीके से आप अपने होठों को बड़ा और खूबसूरत दिखा सकते हो और ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। फिर भी आपको लगे कि आपकी जो लाइन है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको लेना है अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर अगर स्किन से मैच होता हुआ, या फिर स्किन से एक दो शेड लाइटर। ओके, और उसको ये वाली जो ब्रश आती है उससे यूज करना है। इस तरीके से ब्रश में पाउडर को लेंगे इस तरीके से, लिपस्टिक के चारों तरफ लगा दोगे तो जो आपका लिपस्टिक का लुक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए आप वेट करोगे कि आपकी लिपस्टिक अच्छे से ड्राई हो जाए। ओके, तो इस तरीके से अपने लिपस्टिक हैक्स मैंने आपको आपके साथ शेयर किए और काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अब इसको अगर डार्क टू लाइट कर शेड में इसको करना है तो आप इससे थोड़ा सा लाइटर शेड लोगे लिपस्टिक का। मैंने जो अभी अप्लाई किया था वो ये वाला शेड है और इससे थोड़ा सा लाइटर है, फिर थोड़ा और ज़्यादा लाइटर शेड ले लोगे जैसे कि ये वाला है मेरे पास बुलेट लिपस्टिक। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये सेम ही आ जा रहा है, बट आप थोड़ा लाइटर ले लीजिएगा फिर आउट कॉर्नर पे डार्क ले लीजिएगा तो आपका जो लिपस्टिक का लुक है वो काफी ज्यादा प्यारा दिखने लग जाएगा। जैसे ये मान लीजिए डार्क है ऐसा तभी करना है, आपका जो ओरिजिनल शेप है लिपस्टिक का उससे बाहर तभी निकालना है जब आपको अपने लिप्स को चौड़ा दिखाना है। मेरे लिप्स ऑलरेडी चौड़े हैं बट मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप अपने लिपस्टिक को
डबल शेड दे सकते हो। इसके बाद सेंटर में थोड़ा लाइटर कलर यूज कर लीजिए। तो ये वाला बहुत ट्रेंड में है आजकल। तो लग रहा है ना बिल्कुल जैसे हम लोग इंजेक्शन लगवा के आजकल अपने लिप्स को बड़ा और खूबसूरत दिखा रहे हैं विदाउट कुछ किए, बस मेकअप के थ्रू। मेकअप के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो, कैसा भी लुक बना सकते हो अपने फेस को। तो इंजेक्शन सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन और सर्जरी करवाने के बाद क्या होता है कि हम दोबारा से अपना ओरिजिनल लुक नहीं पा पाते हैं। और ये आउटलाइन जरूर कीजिएगा। तो ये थे 8 से 10 टिप्स एंड ट्रिक्स हैक्स लिपस्टिक से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक के बारे में बताया है। तो फेस को इग्नोर करते हुए लिपस्टिक पे फोकस कीजिए और लिप्स से रिलेटेड सारी चीजें आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए।